नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण ESMA लागू। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों की हड़ताल के मद्देनजर राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। विज ने कहा कि कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह के हड़ताल पर जाने के कारण उठाया गया है। अब स्वास्थ्य कर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हरियाणा में सीवरेज के मैनुअल सफाई पर बैन। हरियाणा में सीवरेज के मैनुअल सफाई पर बैन लगा दिया गया है। अब प्रदेश में सीवरेज की सफाई मशीनों से होगी। इसके लिए सीवरेज सफाई मशीनें रोटेशन पर नगर निगमों व नगर परिषद में उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह फैसला मंगलवार को राज्य निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। महेंद्रगढ़ में DC और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के DC अजय कुमार और उनके आयकर उपायुक्त रोहतक पत्नी डॉक्टर लवलीन कौर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी जानकारी खुद DC ने व्हाट्सएप के जरिए दी है। दोनों ने खुद को नारनौल के सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 102 फर्जी अभ्यर्थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में स्क्रूटनी के दौरान 102 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े हैं। इनकी सूची आयोग ने पंचकुला पुलिस को सौंपते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया और जांच पुलिस को सौंप दी है। यमुनानगर का थप्पड़बाज मैनेजर बैंक मैनेजर की गुंडई शीर्षक से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के यमुनानगर में बैंक के थप्पड़बाज मैनेजर का वीडियो वायरल है। 59 सेकंड की वीडियो में एक व्यक्ति कैबिन में तैश में दिख रहा है और फिर किशोर पर हमला कर देता है। बैंक में पहले से ही किसी बात पर विवाद चल रहा था। पूरी घटना का वीडियो बना रहे युवक का भी पीछा किया जाता है। असल में विवाद किसी और बात पर था। इनका खुलासा नहीं हुआ। पुलिस को भी किसी पक्ष की शिकायत नहीं मिली है। दहेज लोभियों से परेशान महिला ने की आत्महत्या। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे की आदर्श कॉलोनी में एक 22 साल की महिला ने दहेज लोभी ससुरालियों के प्रताड़ना से परेशान होकर सल्फास की गोली निकल ली। महिला को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन से छात्र ने किया मना। कोरोना की तीसरी लहर के बीच 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इसी बीच हरियाणा के हिसार में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। इसके लिए उसने स्कूल प्रिंसिपल को पत्र लिखा। छात्र ने पत्र में लिखा कि उसका परिवार और वह खुद आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और होम्योपैथिक की चिकित्सा लेते हैं, इस कारण से वह कोरोना का टीका नहीं लगवाएगा। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ में शीतलहर कपकपाएगी। पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। मंगलवार को हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में घनी धुंध छाई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के बाद पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर बिछ गई है। देसी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप पर लूट, प्लैटिना बाइक पर आए 3 बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा। हरियाणा के अम्बाला जिले में बाइक सवार 3 बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। छात्र चोरों ने आयोग में बंद पड़े गोयल फिलिंग स्टेशन को खुलवाने के लिए एक साथी के बीमार होने का बहाना बनाया। जैसे ही 2 कर्मचारी ने पंप खोलकर पेट्रोल डाला तो बदमाशों ने देसी कट्टा निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। चरखी दादरी में धू धू कर जले 2 ट्रक। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव अटेला में बीती रात आमने सामने की टक्कर के बाद 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। ट्रकों के फ्यूल टैंक या इंजन में ब्लास्ट के डर से लोग सहमे रहे। इसमें दोनों तरफ करीब घंटे भर तक ट्रैफिक भी थमा रहा। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। तब तक दोनों वाहन पूरी तरह से जल चुके थे। कोरोना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्थगित। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनज़र हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है। इन गेम्स की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। उधर राज्य में मंगलवार को सोमवार की तुलना में केवल 10 नए संक्रमित अधिक मिले। मंगलवार को 5,746 नए मरीज सामने आए, जबकि सोमवार को इनकी संख्या 5,736 थी। सरकार ने पूरी की स्पेशल कैडर बनाने की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने MD या MS डॉक्टरों के लिए स्पेशलिस्ट कैडर पद
सृजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा डॉक्टर्स को कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं दिया जाएगा और वे अपने संबंधित विशेषता में ही अभ्यास करें। बहादुरगढ़ में महिला से 2.88 लाख लूटे, कमेटी के पैसे थैले में डालकर जा रही थी घर। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में बदमाशों ने एक महिला से 2.28 लाख की नकदी से भरा बैग छीन लिया। वारदात लाइन पार इलाके के लालचंद कॉलेज में अंजाम दी गई, जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने पहले महिला को रोका, फिर वारदात की। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन इससे पहले कोई वहां पहुंचता बदमाश थैला छीन कर फरार हो गए। यमुनानगर में पुलिस ने उखाड़ा धरनारत पीटीआई का टेंट। नौकरी बहाली की मांग को लेकर हरियाणा जगाधरी की अनाज मंडी में धरनारत पीटीआई को पुलिस ने मंगलवार को जबरन हटाकर धरना समाप्त कर दिया। इससे पहले पीटीआई पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल के घर में जबरन घुसने और तोड़फोड़ की कोशिश के आरोप लगे। मंत्री समर्थकों ने पीटीआई के बहाने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। अम्बाला में कोरोना के 385 नए मामले, गृह मंत्री अनिल विज के पीए समेत 4 सिक्योरिटी गार्ड संक्रमित। अम्बाला में तेजी से फैल रहा कोरोना हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी तक भी पहुंच गया है। मंगलवार को कोरोना के 385 नए मरीज सामने आए हैं, इनमें भी अनिल विज के पीए सहित 4 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। जींद में ट्रक के साइड लगने से बस पलटी। हरियाणा के जींद में गांव मलार मोड़ के पास मंगलवार ट्रक बचने के प्रयास में सहकारी समिति की एक यात्री बस पलट गई। हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं, उनको बस का आगे का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। करनाल में खेत में मिला युवक का शव। हरियाणा के करनाल के दयालपुरा गांव में 25 वर्षीय युवक का शव खेत में मिला। इसकी सूचना पाकर कुंजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक विजय के मुंह व सिर पर चोट के निशान है, जिसे देखते हुए SFL टीम को मौके पर बुलाया। रोहतक में हर चौथा पॉजिटिव, PGI में एक घंटे में मिल रहे 2 कोरोना मरीज। हरियाणा के रोहतक PGI में कोरोना के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त जिले का हर चौथा कोरोना पॉजिटिव PGI में पाया जा रहा है। वहीं यहां हर 2 घंटे में केस आ रहे हैं, इनमें सीनियर डॉक्टर, इंटर्न, छात्र व स्वास्थ्य वर्कर शामिल हैं। PGI में अधिकांश OPD को बंद करने व हॉस्टलों को खाली कराने के बाद भी कोरोना केसों में कमी नहीं आ रही है।